सिंधी जवरे वजीर सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब बाद मीडिया से गालबोल कंदे राव अनवार बाबत सवाल के जवाब में चयो तो संदस गिरफ्तारी लाए जांच कमेटी कायम कई आला अदालत जांच जो हुक्म दिनो है। राव अनवार के लिए मैंने उसी दिन हमने सिंध हुकूमत ने इमीडिएटली इंक्वायरी कायम की थी। इमीडिएटली जो है उस इंक्वायरी ने 48 घंटे में रिपोर्ट दी, जो जो रिकमेंडेशंस थी वो फॉलो की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और इस वक्त सिंध पुलिस ने सारे इदारों को लिखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान के इदारों को, जिसमें हर इदारा मौजूद है। बड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह एक सवाल के जवाब में चयो तो खेस खबर हो जहां राव अनवार किथे लिखल है तो पुलिस के हूब बुधाया अमी बुधायो। मुझे अगर ये पता होता, अगर आपको पता है कहां मौजूद है तो पुलिस को बताया। बड़े वजीर राव अनवार के आसिफ अली जदा से तलकात के बारे में तरदीद कही, संदस चवण तो मुझा भी सुठन खराब ऑफिसर से तलकात थी सकन था, पर को अड़ो ताकतवर थी सके तो जो ताकतवर इदारन का बची सके। गलत है जो है हर पुलिस अफसर, मैं भी कई पुलिस अफसरान को जानता हूँ, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, ऐसी बात होगी, लेकिन उससे इस केस का ताल्लुक नहीं है। एक इस वक्त वो मुल्ज़िम की तरीके से पेश हुआ और क्या मैं या जो भी मैं नाम लेता है इतने पावरफुल है कि पूरे इदारे जो हैं मुल्क के सारे इदारे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म किया है गिरफ्तार करने का, वो नहीं कर सक रहे तो पता नहीं क्या कौन इसमें इन्वॉल्व है। बड़े वजीर डॉक्टर आसम बाबत सवाल के जवाब में चयो तो मु समझो तो डॉक्टर आसम सुठो कम कयो आहे तो संदस मुकररी ते वाद जी मंजूरी दिनी। सिंध बड़े वजीर राव अनवार बाबत जिते साणस तलकाती लातलकी जाहिर कई उते संदस चवण तो छा मुल्क में एतरे निदारन बावजूद आला अदालत के हुक्म ते भी संदस गिरफ्तारी न थिए। कैमरामैन अरसलान अहमद सागर, फयाज कुरैशी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।